जय माता जी की। सभी भाइयों को, मैं भोपाल निकल चुका हूँ ऑफिस। अभी आया, थोड़ी देर के लिए रुका था, लेकिन तो ऑफिस भोपाल निकल रहा हूँ। आप लोग भी सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में भोपाल पहुंचे, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके थे, ये एक आंदोलन है और आंदोलन का कोई समय सीमा नहीं होती है। वो आंदोलन कब तक चल सकता है, तो हम लोगों को इस आंदोलन को एक मूल रूप देने के लिए पुनः राजा भोज की नगरी भोपाल में उपस्थित होना है। और रही बात सरकारों की, रही बात प्रशासन की, तो जब तक जीवन सिंह शेरपुर के भाई जिंदा हैं इस प्रदेश में, इतने किसी सरकार में या किसी शासन प्रशासन में इतनी ताकत तो नहीं कि उसको टच कर देगा। आप लोग, जानता हूं कि आप लोग अभी सुबह ही भोपाल से वापिस से अपने घर पहुंचे होंगे, लेकिन वास्तव में ये जो समय है, ये घड़ी है, यह संघर्ष की घड़ी है, संघर्ष का समय है। और इस संघर्ष के समय में ही अपने और परायों की जो कीमत होती है वो मालूम पड़ती है कि कौन अपना है, कौन पराया है। वैसे तो चेहरा दिखाने बहुत सारे लोग आते हैं, कई बेरूपीय रंग बदल के भी बैठे रहते हैं, बेरूपियों का कुछ कह नहीं सकते हैं। जो जिस थाली में जिधर होते हैं वो उधर उसके जैसे होने लग जाते हैं। मैंने सोचा था कि मैं आज के बाद अब थोड़ा आराम करूंगा, काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा भाई वापस मुझे लगा कि संकट में है, तो मुझे जाना पड़ रहा है। और आप लोग सब घर से निकलें, जितनी ज्यादा संख्या में हो सके। कम समय है, टाइम पीरियड कम है, दूर भी है, वो सब है, लेकिन लगा दूर भी है, लेकिन हमें भोपाल तो पहुंचना है। क्योंकि जिस जंग को हम पिछले 6 महीने से जिस जंग को लड़ने की तैयारी कर रहे थे, वो वास्तव में समय ऐसा आ चुका है कि अब ये मात्र एक तैयारी नहीं रही, ये मात्र एक आंदोलन नहीं रहा है, अब ये सम्मान स्वाभिमान का आंदोलन हो चुका है। और बात रही सम्मान और स्वाभिमान की, तो उसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा, जिस स्थिति में करना पड़ेगा, जहां करना पड़ेगा। हम कल भी विधानसभा घेराव कर सकते थे, लेकिन हमने घेराव क्यों नहीं किया? हमने इसलिए नहीं किया है कि ग्लोबल मीट हमारे प्रदेश में चल रही है, नए नए उद्यमी आने वाले हैं, उद्योगों की नई नई रणनीति बनने वाली है। हम नहीं चाहते थे कि हमारे एक विधानसभा घेराव से सरकार में या पूरे हिंदुस्तान में प्रदेश का नाम बदनाम हो, कहीं ना कहीं हमारे युवाओं का रोजगार चला जाए। हमने ये सोच के कल विधानसभा घेराव नहीं किया, लेकिन सरकार ने शायद हमें हल्के में नाप लिया है, हमें हल्के में ले लिया है कि ये लोग शायद डर गए होंगे या बिचक गए होंगे। तो हम आपको बता दें कि ये क्षत्रिय वो कौम है, ये राजपूत वो कौम है जो किसी से नहीं डरती, किसी से नहीं बचकती। हमारा उद्देश्य जो है, हमारा उद्देश्य ये है कि हमें किसी भी स्थिति में झुकना नहीं है। अगर हमें समझौता करना होता है, हम समझौते की राजनीति कब की कर चुके होते हैं? हमें 4-4, 5-5 साल तक आंदोलन नहीं करते, लेकिन हमें समझौता नहीं करना था, हमें किसी के साथ अपने सामने अपने घुटने ही नहीं टेकने थे। आज अगर किसी भी स्थिति में अगर वापस जीवन सिंह शेरपुर को रोड पे बैठना पड़ रहा है, तो हम रोड पे उसके साथ बैठने के लिए तैयार है, लेकिन वो तब संभव हो पाएगा जब मेरा हर एक भाई वापस निकल के वापस भोपाल पहुंचेगा। बता दो भोपाल के उन प्रशासनिक अधिकारियों को, भोपाल में बैठे हुए उन नेताओं को और नेताओं के दलालों को, कि ये क्षत्रिय समाज है, ये कर्णी सेना है, ये कर्णी सेना कभी भी किसी भी स्थिति में कहीं भी शॉर्ट टर्म में जाके खड़ी हो सकती है। उसके लिए हमें निमंत्रण की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक मैसेज जो पता, जैसे हमने मैसेज डाला, सबने आप लोगों ने मैसेज देखा, अपने अपने हिसाब से सब निकल गए, यही हमें चाहिए था। और यही संगठन है, यही संगठन की ताकत है। एक व्यक्ति कभी भी 50 लोग 100 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं कर सकता, लेकिन एक संगठन की ताकत है कि जो कल आपने भोपाल में लाखों लोगों का हुजूम मार दिया है, यह एक संगठन की ताकत है कि इतने लोग भोपाल में वहां जाके कल बैठ चुके हैं। वो हमारी भाई 6 महीने की तैयारी थी, 3 महीने की तैयारी थी, 4 महीने की तैयारी थी, लेकिन जो आज हमारी तैयारी है ये इतने दिन की नहीं है, ये तैयारी मात्र और मात्र हमारी आधे एक घंटे की तैयारी है, जो आज हम इतनी गाड़ियां लेके भोपाल वापस निकल चुके हैं। सरकारों के सारे मुगालते दूर कर देंगे। सरकार ये सोच रही है कि ये लोग चले गए, ये वापस नहीं आएंगे, तो हम उन्हें बता देंगे कि अभी बजी घड़ी में 6:06 कम है, 8:30-9 बजे हम भोपाल पहुंच जाएंगे, और उसके बाद देखते हैं कि कौन शासन कौन प्रशासन कहां आता है। आप वहां बैठे हुए व्यक्तियों का कल्याण ना समझे, हमें इतनी ताकत थी कि हम ये पूरा प्रदेश जाम कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी स्वार्थ तरीका था कि हमने वह प्रदेश में वापिस उद्यमिता नहीं चाहिए।
मुख्यमंत्री के पुतले फूकने से क्या होता है, क्या होता है पुतले फूकने से? हमें ये तुच्छी राजनीति न कल आती थी, न आज आती, न भविष्य में आएगी। हमें पुतले फूकने वाली राजनीति नहीं करना चाहते। हमें जो करना है वो ये करना है कि वापिस भोपाल जाना है, भोपाल में बता देना है कि बहुत कम समय में हम हजारों लोग वापिस भोपाल पहुंच गए। अब आओ, आपने सुबह कम लोगों को देखकर रास्ता रोक लिया, आप 9 बजे बाद रास्ता रोक के बताओ, आप 9 बजे बाद धरना खत्म करवा के बताओ, आप 9 बजे बाद आप कुछ करके बताओ। वहां पर देखते हैं सरकार में कितना पावर है, क्या कर सकती है। आप सत्ता में है, सत्ता का घमंड किसी को भी अच्छा नहीं रहता है। सरकारें आती है जाती है, सत्ताएं आएगी जाएगी, लेकिन हम लोग वहीं रहेंगे। हम लोग जिस उद्देश्य से बैठे हैं, हमारा उद्देश्य कभी खत्म नहीं होगा। कल का जो कार्यक्रम था भोपाल की तरह पे ऐतिहासिक कार्यक्रम था, और जो हम लोग कह रहे थे कि ये तारीख इतिहास में अंकित की जाएगी, वो तारीख कल आप लोगों ने अंकित करवा दी, उसके लिए आप सबको जय माता जी की। लेकिन अब समय सिर्फ तारीख अंकित कराने का नहीं है, वास्तव में जो समय है, अब समय वो समय आ चुका है कि हमें पुनः वहां पर एकीकरण के भाव से एक होना है, और अब हमें वास्तव में युद्ध राणा का वंशज दिखाना है कि हम कैसे लड़ सकते हैं। अभी तक हमारा शांतिपूर्ण तरीके से हर कार्यक्रम हुआ है, हमने उग्रता कभी मचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन हम ये सब एडजस्ट नहीं करेंगे कि आप हमारे पदाधिकारी के ऊपर प्रेशर डालोगे, आप हमारे पदाधिकारी को आप कुछ भी बोलोगे, आप इस कार्यक्रम को, ये अनशन को आप ताकत के साथ खत्म करोगे। हमारी इच्छा हम इतने दिन बैठेंगे, हमारी इच्छा हम वहां बैठेंगे। हमने जिस कार्यक्रम को जिस उद्देश्य से चालू किया है, जब तक हमें किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, इतने हम खत्म नहीं करने देंगे। आपने कहा था हम आपसे बात करेंगे, अच्छा बात वार्ता की थी, आप वार्ता करने क्यों नहीं आए? आप सोचो हम चार दीवारी में आपसे बैठ के बात करें, क्यों करेंगे आपसे बात? चार दीवारी में बात करनी होती तो हम कब की कर चुके होते? हमें चार दीवारी में बात नहीं करनी थी, जब हम रोड पे हमारे भाइयों के साथ बैठे थे तो हम बात भी भाइयों के साथ तो भी बोलते। हम लोग कभी भी ये नहीं चाहते थे, लेकिन अगर सरकारें इस तरीके से उद्माद मचाएगी, सरकारें इस तरीके से प्रेशराइज करेगी, सरकारें इस तरीके से हमको कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने की कोशिश करेगी, जीवन सिंह शेरपुर को उठाने की कोशिश करेगी, तो हम लोगों को पुनः वापिस रोड पे उतरना पड़ेगा, और हम रोड पे उतरेंगे। देखते हैं 3 घंटे 4 घंटे में पूरा प्रदेश पुनः भोपाल में इकट्ठा कर देंगे, फिर देखते हैं सरकारें क्या करती है, सरकार क्या रीति नीति बनाती है। आप अधिकारी वहां पर बदतमीजी से बात करोगे, वो हम एडजस्ट नहीं करेंगे। जीवन सिंह शेरपुर हमारा भाई भी है, और हमारा भाई हमारा मुख्य परिवार का मुखिया भी है। मेरा सभी भाइयों से एक निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में भोपाल पहुंचे। मैं देवास क्रॉस कर चुका हूं, आप लोग भी सभी भोपाल पहुंचे। जय माता जी, जय मां करणी।